हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी विल कंटिन्यू अवर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है. अब डाइजेशन क्या था, क्या है, हमने कल फर्स्ट पार्ट में इसके में किया था आपका होलोजाइक न्यूट्रिशन. और होलोजाइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या था आपका, कुछ स्टेप्स थे उसमें. फर्स्ट था हमारा इंजेशन, सेकंड वाज डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन और लास्ट में इजेशन था. तो ये सारे स्टेप्स हमने किए थे. अब इसमें ये सारे स्टेप्स आपके ह्यूमंस के डाइजेशन के अंदर भी आने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहले हम इसको वन बाई वन एक एक स्टेप करके देखेंगे कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. सो लेट्स गो. तो देखिए, जो डाइजेस्ट सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, उसमें क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनता किस चीज़ से है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं मेनली, दैट इज एलिमेंट्री कैनल और सीक्रेटरी ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल क्या है और सीक्रेटरी ग्लैंड्स क्या हैं? तो एलिमेंट्री कैनल क्या होती है आपकी, एलिमेंट्री कैनल है एक ट्रैक है, एक पूरा रास्ता है जो एक स्टेप से और लास्ट, जो स्टार्टिंग से और एंड तक कुछ एक एक तरीके से पॉइंट्स या कह लो, या फिर एक कई सारे पार्ट से होकर जाता है, कई सारे हिस्सों से होकर जाता है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ बकल कैविटी और माउथ. सबसे पहले आप भोजन मुंह के अंदर डालते हो, उसके बाद ओइसोफेगस होता है, ईसोफेगस होता है या फूड पाइप, आप कोई सा भी इसको नाम दे सकते हो. सेकेंड इज ईसोफेगस और फूड पाइप. थर्ड इज स्टोमैक एंड फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिक्स्थ इज एनस. तो ये सारे क्या हैं आपके, एक तरीके से एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं. अब एलिमेंट्री कैनल क्या है, इन सभी पार्ट्स को मिला के क्या बनती है, एलिमेंट्री कैनल बनती है. उसके बाद सीक्रेटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो सीक्रेटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये इनसे मतलब एक तरीके से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं. और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो हमारे फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसका होता है, सीक्रेटरी ग्लैंड्स का. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स थे हमारा. सबसे पहला आपका एलिमेंट, मतलब एक तरीके से इनसे मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का वो बनता है. इसके अंदर मेन दो पार्ट आते हैं आपके, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनल एंड सीक्रेटरी ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनल के अंदर आपके ये सारे पार्ट्स आएंगे और सीक्रेटरी ग्लैंड्स के अंदर आपके मेनली ये आती हैं, जिसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लिवर होता है और पेनक्रियाज होता है. ओके, सो एक बार आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ह्यूमंस का, उसके डायग्राम को देख लेते हैं किस तरीके से होता है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इसमें क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है. अब इसमें क्या है आपका, सबसे पहले जो है हमारा, दैट इज़ बकल कैविटी. बकल कैविटी क्या है आपका, मतलब एक तरीके से माउथ, बकल कैविटी जिसके अंदर आप फूड डालोगे. तो जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ बकल कैविटी, इसके अंदर आप फूड डालते हो. आपको पता है मुंह से भोजन डाला जाता है, तो ये क्या है आपका, बकल कैविटी. इसके अंदर क्या होता है आपका, कई चीज़ें होती हैं इसके अंदर, टीथ होती है, टंग होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं. तो इन सब का अपना अपने फंक्शंस होते हैं माउथ के अंदर. तो सबसे पहले हम उनको वन बाई वन आपके जब स्टेप्स को करेंगे तब उसमें देखेंगे. बाकी आप एक बार इसके डायग्राम को देखिए. इसके बाद आपने यहाँ से भोजन डाला, तो यहाँ से क्या होता है, फूड इस तरीके से जाता है और यहाँ से फिर ईसोफेगस के अंदर. ईसोफेगस क्या होती है, एक पाइपलाइन सी होती है, उसके अंदर से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर से आपका फूड इस तरीके से यहाँ से जाता है. इसका वैसे कोई फंक्शन नहीं है, इसका वर्क है आपका जो फूड है, फूड को माउथ से लेना और किसको देना, स्टोमेक को देना. इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स वगैरह नहीं होती है, कोई जूस इसके अंदर सीक्रेट नहीं होते. जैसा फूड ये माउथ से लेती है वैसा कि वैसा स्टोमेक को दे देती है. उसके बाद आपका यहाँ स्टोमेक होता है, ये फ्लैटन जे शेप में होता है इस तरीके से. और उसके बाद यहाँ से आपका जो फूड होता है, फूड के अंदर आपका HCl वगैरह और पेप्सिन, ये एंजाइम मिलते हैं. और फिर उसके बाद आता है आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है आपकी, ये कॉइल्ड शेप में होती है आपका, जैसा इसका नेम इंडिकेट कर रहा है वैसी ये है नहीं, क्योंकि इसका नेम है स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ होती है आपकी 7.5 मीटर के अप्रॉक्स ह्यूमंस के अंदर, और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है दैट इज़ 1.5 मीटर। बट क्या है, ये कॉइल्ड शेप में होती है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, ये कॉइल्ड ऐसे ऐसे कॉइल्ड शेप में होती है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये एक सरफेस एरिया एक तरीके से कम घेरती है, तो इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ भले ही कम है लेकिन वो एरिया ज़्यादा कवर कर रही है, ठीक है। तो ये है आपका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका जो लिवर होती है और जो पेनक्रियाज होता है उससे सीक्रेशंस लेती है, उसे डाइजेस्टिव जूस लेती है, और आपके जो फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं उनको सिंपलर में चेंज करती है। तो ये किसका काम है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसमें क्या होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल सुगर्स में, ग्लूकोज में चेंज होता है, उसके बाद जो फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, मैंने कल भी आपको बताया था, उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं उनको अमीनो एसिड्स में। तो एक तरीके से जो डाइजेशन है उसके, मतलब जो उसकी जो मेन प्रोसेस है वो आपका किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर क्या होता है आपका, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है उससे जो कुछ, मतलब एक तरीके से ऊपर के पार्ट में जितना डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो कुछ एक पार्ट इसका बचता है डाइजेशन का, वो जब ये लोअर पार्ट में नीचे की तरफ आती है तो कुछ इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो आपके क्या करते हैं, वो आपके जो जो भी उसमें जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको, मतलब कम्प्लीटली डाइजेशन में उसके हेल्प करते हैं, उसके बाद आपका जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। यही वो स्टेप है जहाँ पे आपका डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है। तो डाइजेशन आपका कम्प्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो इस तरीके से ये है, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। फूड जो है वो, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो एक तरीके से अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो कहाँ पे जाता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो वाटर है और जो आपका क्या है, साल्ट्स वगैरह होते हैं, इसका काम होता है वाटर को, साल्ट्स को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक तरीके से उसमें से एब्जॉर्ब कर लेना, उसमें से निकाल लेना, यानी जो काम की चीज़ है उसको निकाल लेना, और बाकी जो आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो बेकार की चीज़ें हैं उनको एक रेक्टम के, मतलब पास पहुंचा देना। तो ये किसका काम होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्स 1.5 मीटर होती है। वर्क क्या होता है इसका, जो वाटर है और जो साल्ट्स हैं उनको अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेना, और फूड को किसको देती है ये, यहाँ पे रेक्टम को। और फिर रेक्टम क्या करता है, रेक्टम फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्टोर करके रखता है अपने पास, और उसके बाद जो स्टोर्ड अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये एनस को दे देता है, और एनस क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव कर देता है। सो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या है आपका, जो फूड है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। वहाँ से क्या होता है, इसमें सलाइवा, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होगा, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। फिर आपका फूड कहाँ पे जाएगा, आपका ईसोफेगस के अंदर, यानी फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप के अंदर भोजन में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद फूड है हमारा कहाँ पे जाता है, स्टोमेक के अंदर। स्टोमेक के अंदर इसके अंदर कुछ एसिड्स वगैरह और कुछ आपके पेप्सिन वगैरह एंजाइम इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो फूड है हमारा कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका डाइजेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और यही वो पार्ट है जहाँ पे आपका डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब एक तरीके से डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कुछ एक जो जूस होते हैं वो लिवर से, और जो पेनक्रियाज है, ठीक है, वहाँ से आपके लिवर और पेनक्रियाज से इसको कुछ डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं, और वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर में चेंज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और वो किसके थ्रू होती है, वो विलीज के थ्रू होती है। विलीज क्या होती हैं, विलीज क्या है आपका, जो फिंगर लाइक आउट ग्रोथ हैं, यानी जो
इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर छोटे 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 इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और जो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, वो एक सरफेस एरिया इंक्रीज, मतलब एक तरीके से सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। उसके बाद आपका जो फूड है वो आपका एब्जॉर्प्शन के बाद वो असाइमिलेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पे जो फूड है ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका एक तरीके से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो ये तो था आपका कि भाई डाइजेशन, आपका जो डाइजेस्ट फूड है जो डाइजेस्टेड पार्ट और अनडाइजेस्टेड पार्ट यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब के बाद असाइमिलेशन की प्रोसेस हो जाती है यानी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली है आपकी, और इसके अंदर क्या होता है आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो भी आपके वाटर है साल्ट है उसको उस फूड अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से निकालना, एक तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ये किसका काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो जब उसमें से जो भी काम की चीज़ थी वो निकाल ली गई, उसके बाद जो अब हमारा बिल्कुल एक तरीके से फेकल मैटर है, मीन्स एक तरीके से जो वेस्ट है हमारा वो किसके अंदर चला जाता है, रेक्टम के अंदर, और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर्ड होता है, इकट्ठा रहता है। उसके बाद जो एनस है दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके थ्रू वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, और यही जो प्रोसेस होती है यहीं पे जो प्रोसेस होती है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने की, उसी को क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, एजेसन, ठीक है। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एक एक पार्ट को, दैट आर स्टार्टिंग से ही सबसे पहले आप बकल कैविटी, फिर उसके बाद आपका ईसोफेगस वगैरह, ये सारे पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो इसका एक बार फिर से देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एलिमेंट्री कैनल होती है, सीक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, एलिमेंट्री कैनल के अंदर आपके ये सारे पार्ट्स आते हैं और सीक्रेटरी ग्लैंड्स के अंदर आपके मेनली ये आते हैं। उसके बाद क्या है आपका जो एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ बकल कैविटी। अब जो बकल कैविटी है वो क्या है, एक तरीके से माउथ है। अब इसमें क्या होता है आपका जो फूड होता है, आप जानते हो मुँह के अंदर आप भोजन डालते हो तो कई सारी चीज़ें होती हैं आपके माउथ के अंदर जो आपके फूड के यहाँ पे एक तरीके से डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो इसके अंदर सबसे मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, आपका टीथ होते हैं, टंग होती है, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका जो टीथ होते हैं, जो आपके दांत होते हैं, वो क्या करते हैं आपके जो फूड है उसकी च्यूइंग में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं। जो टंग है आपकी वो क्या करती है, वो आपका जो फूड है उसके एक तरीके से क्या प्रदान करती है, आपके फूड लुब्रिकेशंस, या फिर ये कह लो कि उसको एक तरीके से मॉइस्चन करती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि आप जो फूड है उसको एकदम से बिल्कुल सूखा सूखा सा अंदर ले नहीं सकते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है आपका जो टंग होती है उसमें कुछ सलाइवा वगैरह मिक्स हो जाता है टंग की हेल्प से, और उससे फिर क्या होता है आपका जो फूड है वो मॉइस्चन हो जाता है और फिर वो आराम से आपके फूड पाइप से निकल जाता है। तो इसके अंदर जो बकल कैविटी है इसके अंदर मेन पार्ट क्या क्या है आपका, दैट इज़ टंग, टीथ और सेलिवरी ग्लैंड्स। अब सबसे जो फूड के इंटेकन की जो प्रोसेस है मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो आपके भोजन के अंदर लेने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या होती है, भोजन के अंदर लेने की प्रोसेस। अब जो फूड है हमारा किसकी हेल्प से चबाया जाता है, दांतों की हेल्प से, एक टंग इसमें रह गया है। टंग क्या करती हैं आपकी एक तरीके से फूड को मोशन देती हैं, और फिर आता है आपका सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्या होती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं, और वो सलाइवा क्या होता है एक तरीके से उसके अंदर क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम, और वो क्या करता है वो फूड के अंदर मिक्स होता है, और फूड के अंदर मिक्स होकर वो क्या करता है, जो स्टार्च है आपका स्टार्च को सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट करता है। तो ये किसका काम है, ये एमाइलेज एंजाइम का काम है, क्या कि आपका जो स्टार्च है वो आपका सुगर्स में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सिंपलर कंपोनेंट में चेंज हो जाए, और यही वो पार्ट है जहाँ पे क्या होता है आपका डाइजेशन की प्रोसेस है जो वो स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ बकल कैविटी, ठीक है। और आपका जो टीथ है, टीथ के बारे में आप जानते ही हो, आपके टू टाइप के टीथ होते हैं, आपके परमानेंट टीथ
और आपका टेम्परेरी टीथ। तो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो आपके इन्फेंसी बचपन से निकलते हैं और लगभग 6 to 8 ईयर की एज में वो टूट जाते हैं। उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, और परमानेंट टीथ क्या होते हैं, जो हमारे मतलब एक तरीके से लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं, और कई बार कुछ डिजीज़ की वजह से वो आपके बिफोर डेथ आपके टूट भी सकते हैं। बाकी आपके टीथ 4 टाइप के आपके मेनली टीथ होते हैं आपके, आपने पढ़े भी हैं 4th क्लास में जब थे आप शायद 4th 5th में, तो आपके आपके कैनाइन इंसीजर्स होते हैं सबसे फ्रंट वाले, उसके बाद कैनाइन, फिर प्री मोलर्स एंड लास्ट में मोलर्स। तो ये आपका टीथ के बारे में थे, आप जानते हो सारा कुछ। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, आपका टीथ होता है, टंग होता है, सेलिवरी ग्लैंड होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती हैं, उस सलाइवा के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, और वो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, सुगर्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका आता है फूड पाइप और ईसोफेगस। अब फूड पाइप क्या है कि आपका जो यहाँ से माउथ के बाद यानी बकल कैविटी के बाद जब फूड आपका सलाइवा वगैरह उसमें मिक्स हो गया, फिर आपका जो फूड है वो फारेक्स के थ्रू आपका कहाँ पे जाता है, वो आपका ईसोफेगस यानी आपका फूड पाइप के अंदर जाता है। और फूड पाइप क्या करती है, आपका फूड पाइप और जो आपका वाइंड पाइप है वो लगभग एक ही पास, उनका दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार जो उनका एक तरीके से जो उनका स्थान है वो एक मतलब एक ही जगह से निकलती हैं, तो इनमें क्या होता है, एक वाल के थ्रू ही अलग होती हैं। और जो वो वाल होता है वो क्या करता है, जैसे अगर वाइंड पाइप में कुछ चीज़ जा रही है तो वो जो फ्लैप है वो फूड पाइप के ऊपर लग जाता है, और अगर फूड पाइप से के अंदर कोई चीज़ जा रही है तो वो वाइंड पाइप के ऊपर लग जाता है। तो जो वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, आपका एपिग्लोटिस। और वो एपिग्लोटिस क्या करता है, वो आपका जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको वाइंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है, और ये वो स्टेप है जहाँ पे जो फूड होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी आपका जो फूड पाइप है इसके अंदर जो फूड होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसा आपका फूड ये माउथ से लेती है वैसा कि वैसा स्टोमिक को दे देती है, यानी कोई भी सीक्रेशंस इसके अंदर नहीं होते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आपका फूड पाइप ईसोफेगस इसका सेकंड नेम है, और इसमें क्या होता है, ये आपका कहाँ से जाती है, आपका फायरिंग से, और फिर कहाँ पे आपका स्टोमेक तक जाती है। उसके बाद जो फूड है वो एक जो फूड पाइप है उसके अंदर जाता है, और फिर जो एक एपिग्लोटिस नाम से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, वो आपका फूड पार्टिकल्स को वाइंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है। इफ बाय चांस अगर आपका फूड है जो वो वाइंड पाइप के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, चॉकिंग सेंसेशन होता है, मींस खांसी आती है हमें एकदम से, बहुत तेज़ी से वोमिटिंग भी हो सकती है ना, क्योंकि वो जो वाइंड जब कोई भी चीज़ है वो वाइंड पाइप के अंदर एकदम से जाएगी तो वहाँ वो इरिटेशन मतलब एक तरीके से अकर होती है आपकी वाइंड पाइप के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो चॉकिंग सेंसेशन होता है, खांसी वगैरह हो रही है हमें, उल्टी आ रही है, तो उससे जो आपका जो पार्टिकल्स उसके अंदर गए थे वाइंड पाइप के अंदर वो उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो ये स्टेप है इसके अंदर कोई भी आपका फूड के अंदर चेंज नहीं होता है, तो ये था आपका फूड पाइप। उसके बाद आते हैं स्टोमेक। तो स्टोमेक क्या है, आपका थिक वॉल्ड बैग होता है, एक बैग की फॉर्म में होता है, इसकी जो शेप होती है दैट इज़ फ्लैट एंड जे शेप, मैंने आपको जब वो डायग्राम दिखाया था तो उसमें बताया भी था, उसकी जे टाइप की सेप होती है। और ये जो फूड है ये किससे लेती है, ये आपका फूड कहाँ से लेती है, फूड पाइप से, और किसको देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और डाइजेस्टिव जूस होते हैं कुछ एक जैसे पेप्सिन वगैरह। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो स्टोमेक है उसकी जो वॉल है उसको प्रोटेक्शन देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है, उनको मारता है। अगर हम अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और थोड़ा थोड़ा नुकसानदायक भी है, कैसे, अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट में सीक्रेट करता होता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि मतलब वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारता है, और वो जो बैक्टीरिया जो वो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से हमारा फूड हमारे लिए हेल्पफुल है, मतलब अगर वो बैक्टीरिया अगर मर रहे हैं उसमें से, ठीक है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एसिडिटी,
जो आप जानते भी हो, ठीक है। फिर हम इनो वगैरह या फिर कुछ भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सारी चीज़ें लेते हैं, उससे क्या होता है आपका जो आपका एसिडिटी है वो कवर हो जाती है। और उसके बाद जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, जो आपका प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये किसका काम है, पेप्सिन का। यानी स्टोमेक के अंदर हमारा मेनली क्या क्या चीज़ें सीक्रेट होती हैं, सीक्रेशंस क्या क्या हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। म्यूकस का क्या काम है, आपका जो वॉल है इंटेस्टाइन की उसको, सॉरी वॉल है स्टोमेक की उसको क्या देना, प्रोटेक्शन देना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, बैक्टीरियाज को किल करना। और पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। तो ये थे आपके फर्स्ट स्टेप था बकल कैविटी, सेकंड वाज फूड पाइप एंड थर्ड वाज स्टोमेक। उसके बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद आपका